हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मैं नीलम और माँ की प्यारी चैनल में आप सबका स्वागत है तो चलिए जी आज कर लेते हैं बेडरूम की सफाई क्योंकि बहुत गंद हो रखी है और गंद तो देखो हो ही जाती है इस टाइम है ना धूल मिट्टी का ज़्यादा मौसम है आंधी आ जाती है तो कुछ ना कुछ मान लो गेट खुला रह जाए अगर गेट खुला नहीं रहेगा तो भी पता नहीं, नहीं हल्की हल्की डस्ट है ना आ ही जाती है तो सोचा चलो कि आज बेडरूम की सफाई कर लेते हैं और तो देखिए मैं जो भी डीपली क्लीन करती हूँ ना अपने बेडरूम की जब भी मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीन करती हूँ ना तो मैं पूरा सामान हटा देती हूँ जो वॉल के ऊपर लगी होती है ना वॉल के ऊपर जैसे कि फ़ोटो कोई सीनरी या डेकोर का कुछ सामान लगा होता है तो मैं उसको पूरे को हटा देती हूँ देखिए हम उसको हटा के करेंगे तो दीवार भी एकदम साफ हो जाएगी और क्या है कि मेरे है ना टैल है और टैलों के ऊपर हफ्ते भर में ही है ना इतनी मतलब छोटी छोटी डस्ट सिक है ना चिप जाती है इसके ऊपर अगर देखोगे तो आप पता नहीं यार क्यों मेरे को इतने दिखती है या फिर हर मतलब जिनके ट लगे उनके सबके यही होता है पता नहीं मेरे ही कुछ ज़्यादा चिपकती है मेरे को तो ऐसे लगेगा जैसे एक परत जमी है छोटी छोटी मतलब वो एक डस्ट डस्टिक टाइप की अगर देखोगे ना तो ऐसे चिपकी दिखेगी तो मैं है ना अपने जो मोपिंग वाला पोचा होता है ना मैं उसी से ये साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि हाथ से तो भाई इतना ऊँचा चढ़ के मेरे बस का नहीं है इसको है ना हो जाती है क्योंकि वो बारीक बारीक डस्ट होती है तो वो इससे आराम से निकल जाती है मैं तो इसी से निकालती हूँ और तो चलिए आज फिर मैं सोचा कर लेती हूँ इसकी सफ़ाई तो सबसे पहले मैं लगी अपने सीनरी विनरी उतार के डस्टिंग साफ़ करने तो पहले जैसे कि मैं लगा लेती हूँ एक साइड से आके स्टेल की हो गई स्टेल की हो गई जैसे एक एक साइड से लग जाएंगे ना हम धीरे धीरे करने तो हमें ये नहीं रहेगा हमने कौन से सफाई कर ली कौन से नहीं कर वैसे तो खैर देख ही जाता है कि हमने कहाँ करी या सफाई कहाँ नहीं करी पर फिर भी मैं एक साइड से लग के कर लेती हूँ ना तो फिर वो आराम से हो जाती है दोबारा मुझे वहाँ आना नहीं पड़ता अब दीवार साफ हो गई है मेरी अच्छे से तो अब चिपका देती हूँ मैं सेंदरी क्योंकि बीच में मैं अपना खाना वाना बनाने लग गई थी तो देखिए मैं ये नहीं है कि मैं लगातार लगी रहती हूँ मेरा क्या है कि मैं एक बार लग जाती हूँ साथ में मैं अपने छोटे छोटे और भी काम निपटा लेती हूँ तो मैंने बीच में खाना बनाया उसके बाद सोने के टाइम मैंने अपना सेंदरी वेंदरी वाला जो छोटा मोटा काम था मेरा वो हो गया तो अब चलिए सीनरी चिपक गई है मेरी अब आता है मेरा बेड का नंबर तो देखियो आप सबके भी होगा क्योंकि आजकल तो यही वाले बेड चल रहे हैं मतलब फोम वाले या सोफ़े या फिर बेड कुछ ना कुछ तो घर में जरूर रहता है और इनके ऊपर भी है ना ये कपड़ा मैला मैला सा हो जाता है और डस्ट जम जाती है जैसे वो लकड़ी वाला होता है वो तो हम चलो न, कोलिंग से साफ़ कर लेते हैं लेकिन ये है कि कोलिंग से साफ़ वो नहीं रहता और हम डेली कपड़ा तो मारते हैं लेकिन वो इतने अच्छे से है ना साफ़ नहीं हो पाता तो इनके ऊपर भी मतलब कपड़े के अंदर धूल मिट्टी बैठ जाती है वो अच्छे से निकलती नहीं है तो मैं क्या करती हूँ मैंने जो फोम टाइप का ये आता है ना एक और इससे मैं अपने बेड को पानी में लिक्विड वाला डिटर्जेंट डाल लेती हूँ और उसको हल्के हल्के हाथ से ऊपर से उतार लेती हूँ तो वो पूरी टेस्ट निकल जाती है एम फिर मैं पूरे बेड को जो साइड में आइड साइड में भी देखो कोई हाथ लग जाते हैं या गंदगी बैठ जाती कोई निशान हो जाता है तो अब मैं लग गई कॉलिंग लेके उसको साफ़ करने क्योंकि ये भी मेरा पूरा बेड पहले मैं अपना बेड वाला ही निपटा लेती हूँ देखिए जो आप एक काम के लगो जैसे कि मैंने पहले वॉल वाला ही करा तो वॉल को पहले मैंने साफ़ करा उसके बाद में मैंने जो सीनरी विनरी हटा मतलब चिपकाने थी वो चिपकाई उसके बाद में जैसे बेड आ गया तो बेड का मैं अब पूरा ही करूँगी जैसे गद्दी हो गई और आइड साइडों से हो गया तो उसके बाद फिर मैं अगला काम करना शुरू करूँगी पहले बेड खानी पड़ जाएगा तो अगर बेड को मैं फिर बीच में छोड़ दूँगी कुछ काम करने चली गई तो ये नहीं है फिर हमें वही शुरू से लगना पड़ेगा नहीं अब जैसे कि मेरा बेड हो गया बेड हो गई जैसे मन्नत ने कुछ मांग लिया तो मैं बीच में चली जाती हूँ देने क्योंकि मुझे ये हो जाता है कि हाँ मेरा पूरा बेड हो गए उसके बाद दूसरे नेक्स्ट काम में लग जाती हूँ मैं फिर आके तो फिर बेड साफ़ हो के अब मैं जो ड्रोर थे क्योंकि मैंने बता रखा था ना मैंने साइड में निकाल लेती हूँ मैं तो ड्रोर व्रोर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर बाद में वहीं सेट कर देती हूँ क्योंकि उसके नीचे से धूल मिट्टी गंदगी सब निकल जाती है झाड़ू पोछा भी हो जाता है और वो हो गई है अब नंबर आ गया है मेरे पर्दों का पर्दे पहले मैंने पर्दे हटा के और मैं रोड को भी साफ कर लेती हूँ और खिड़की साफ़ जैसे कि खिड़की साफ रोड को साफ़ पर्दे हटाने उसके बाद में मैं अपने पर्दे लगाऊंगी और हाँ पहले क्या था कि मैं पर्दों के है ना बाहर प्रेस करवाती थी लेकिन जब से मेरी जो ये वाली प्रेस आई है ना उसके बाद मैंने पर्दों के है ना बाहर प्रेस नहीं करवाई क्योंकि जो कपड़े मतलब हम जो कपड़े सुखाते हैं ना बाहर चिटकने के ऊपर वो चिटकने लगा लो आप अच्छे से तय बना के और मैं तो अपने क्या है कि मैं करती हूँ बेड के ऊपर मतलब सीधी कर लेती हूँ तो बेड पे ये अच्छे से हो जाती है अगर थोड़ी जगह में करेंगे ना तो ये हमारे से प्लेटें अच्छी नहीं बनेंगी और आप ऐसे बेड पे भी छा के करोगे ना तो हर एक प्लेट मतलब अच्छी बनेगी और बैठेगी भी परहेज अच्छे से बैठ जाएगी आप हाँ बैठी है परहेज तो उसके बाद में वैसे मेरी खिड़की विड़की साफ़ हो गई कार्टनस मैंने लगा दिए अपने और ये देखियो मेरे कार्टस क्योंकि अब की बार क्या था मेरे बहुत मोटे मोटे वाले पर्दे हैं वैसे मेरे पास कई फेयर हैं पर्दों के जैसे तीन या चार होंगे तो मैं चेंज करती रहती हूँ देखिए हम जो काम करते हैं ना जैसे सफाई करते हैं तो हम थोड़ा बहुत उन्नीस बीस चेंज कर देंगे ना तो वो एक थोड़ा अलग सा लुक लगेगा क्योंकि हम एक ही चीज को देख देख के हम बोर हो जाते हैं उसको और तो बस मैं भी अब की बार ये मेरे बहुत पुराने पर्दे हैं बहुत पुराने जैसे मैं इस घर में आई थी ना मतलब तीन साल तीन साल हो गए जब मैं इस घर में आई थी तब लिए थे मैंने ये वाले पर्दे तो मैंने बीच में इनको हटा देती हूँ फिर लगा लेती हूँ दो और भी है जो एक मैंने घर में बनाए थे और एक मैं लेके आई थी चांदनी चौक से तो मैं अपने अलट पलट के पर्दे लगाते रहती हूँ ये नहीं है कि मैं एक ही रखती हूँ और जो वही सामान होता है जो हमारे पास बेडरूम में और उसको बस हम उन्नीस बीस कर देते हैं कभी उधर को लगा दो कभी इधर को लगा दो तो थोड़ा है ना लुक चेंज हो जाता है हमारे घर का ही पूरे का हो जाता है मैं तो सफ़ाई करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उन्नीस बीस करती रहती हूँ इधर उधर तो चलिए खर अब आया है लास्ट में सब सफाई हो के लास्ट में आई है बेड शीट की बेड शीट आप हमेशा लास्ट में बिछाना क्योंकि फिर वो साफ रहेगी तो मैं क्या करती हूँ गद्दे को थोड़ा सुखा लेती हूँ तके की साइड से और उसके नीचे टक कर देती हूँ तो फिर वो बेड शीट हिलती नहीं है क्योंकि बच्चे होते हैं और आजकल तो है ना छुट्टी भी हो रखी है बच्चों की बच्चे खूब कूदते हैं कूद मेरी बेटी तो कूदती है आपका पता नहीं कहेगी मम्मा जंपिंग कर लूँ जंपिंग कर लूँ और जंपिंग के चक्कर में मेरी जंपिंग हो जाती है क्योंकि बेड शीट को बार बार साफ करो और बेड शीट में प्लेटें रहती है ना तो मतलब बेडरूम ही गंदा लगेगा तो सबसे पहले बेडरूम को साफ रखने का तरीका यही है कि अपने बेड शीट को अच्छे से रखो तो मैं इसको टक कर देती हूँ टक करने के बाद में ये अच्छे से मतलब निकलती नहीं है कूद ले हो जाती जैसे सुबह शाम कर दिया दोपहर में वो कूद ले नाच ले जो कर ले भाई जो तेरा मन करे वो तू कर खूँ तो ये था जी मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताना और लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप और ये हो गया मेरा फाइनल लुक बेडरूम का